नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा। जो बच्चे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, हरियाणा टेट, उत्तराखंड टेट, चंडीगढ़ टेट, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टेट हैं की परीक्षाएं देते रहते हैं, उन्हें ये बात पता होगी कि मनोविज्ञान के अंदर, साइको के अंदर एक या दो या तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से अवश्य ही आते हैं। और आज अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि आपका जी पेंजे से संबंधित क्वेश्चन अगर परीक्षा में दो आए, तीन आए या एक आए, वो गलत नहीं हो सकता है, ये गारंटी मेरी रहेगी। लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। दोस्तों, आज मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पेंजे की बात करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिख दिया है जीन पेंजे की जो जो मुख्य बातें थी, मैं इनके बारे में थोड़ा समय अधिक लगेगा, पेशेंस रखना, लेकिन जीन पेंजे के एक एक पॉइंट के बारे में मैं बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। जीन पेंजे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। जीन पेंजे वास्तव में स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। आप जानते हैं जीन पेंजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, जो अल्फ्रेड विने के साथ बुद्धि परीक्षण पर कार्य कर रहे थे। किसके साथ? अल्फ्रेड विने के साथ बुद्धि परीक्षण पर कार्य कर रहे थे। और अल्फ्रेड विने के साथ बुद्धि परीक्षण पर कार्य करते करते उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी कुछ नया खोज लूं। और उन्होंने ही तभी एक नया सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और जीन पेंजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को चार अवस्थाओं से होकर गुजारा। सबसे पहले जीन पेंजे ने चार अवस्थाओं से गुजारा, वो बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि वास्तव में संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। आप बिल्कुल साधारण भाषा में समझो, संज्ञानात्मक कोई बहुत नई चीज नहीं है। संज्ञानात्मक का मतलब समझ लो एक तरीके से मानसिक विकास ही होता है। क्या मतलब होता है इसका? मानसिक। संज्ञानात्मक का मतलब ही होता है मानसिक। मतलब जीन पेंजे कहते हैं कि बालक किस किस अवस्थाओं से होकर अपनी विचार शक्ति, अपने सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। तो जीन पेंजे कहते हैं कि किसी भी बालक का संज्ञानात्मक विकास चार अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसमें पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था। इस संवेदी प्रेरक अवस्था को ही इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, जिसकी अवधि पहले बच्चों जन्म से दो वर्ष की अवस्था का बच्चा संवेदी प्रेरक अवस्था की अवस्था से गुजरता है। इसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। नंबर दो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष के बीच की होती है। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि 7 से 11 वर्ष के बीच की होती है। चौथी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि 11 से 15 वर्ष के बीच की होती है। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी। कई बार तो परीक्षा में क्वेश्चन, जैसे यूपी टेट की अगर बात करें, सुपर टेट की बात करें, तो यहां पर तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको केवल आंसर देना होगा जीन पेंजे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जीन पेंजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं से होकर गुजारा है। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना होगा 4 अवस्थाओं से होकर गुजारा जाता है। अगर आप यूपी टेट की परीक्षा का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कई बार परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन पेंजे की संज्ञानात्मक विकास की जो पहली स्टेज है उसकी अवधि क्या होती है। तो 0 से 2 वर्ष। दूसरी स्टेज की अवधि 2 से 7 वर्ष। और तीसरी स्टेज की अवधि 7 से 11। और चौथी की 11 से 15। यहां से भी कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन हम अपनी क्लास यहां खत्म नहीं करेंगे, अभी हम इसके आगे चलेंगे। अब हम एक एक स्टेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको सीटेट की परीक्षा देनी है तो सीटेट की परीक्षा में इनके
अवधि बहुत कम पूछी जाती है, इनके अंदर की बात आप लोगों से पूछता है पेपर वाला, तो देखेंगे हम पहली अवस्था की बात करेंगे। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, पहली स्टेज मैंने आप लोगों को बताई संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। पेपर में अगर आपसे पूछा जाए जीन पैंजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था, इस संवेदी प्रेरक अवस्था का ही मैंने एक नाम आप लोगों को और बताया इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसकी अवधि अगर आपसे पूछेगा तो आप बता ही देंगे 0 से 2 वर्ष। जीन पैंजे के अनुसार जीन पैंजे कहता है कि इस अवस्था में बालक अपने संवेदी अंगों जैसे आंख कान नाक के माध्यम से सोचता है और समझता है और उसी के द्वारा किसी भी कार्य को करने की कोशिश करता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखोगे और छोटे बच्चे को अगर आप खिलाने की कोशिश करोगे या बोलने की कोशिश करोगे और अगर वो रो रहा हो, अगर आप उसे खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप उसे छू करके ही महसूस करा सकते हैं। अगर आप उसे दूध पिलाना चाहते हैं तो आपको दूध की बोतल उसके जब तक मुंह से नहीं लगा दोगे तब तक वो चुप नहीं होगा। तो जीन पैंजे कहता है कि जीन पैंजे कहता है कि संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा जो 0 से 2 साल का होता है वह है किसी भी चीज का अनुभव अपने संवेदी अंगों आंख कान नाक के माध्यम से ही करता है। अभी अगर हम दूसरी अवस्था की बात करेंगे तो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि 2 से 7 वर्ष के बीच की होती है। जीन पैंजे के अनुसार इस अवस्था में बालक वस्तुओं का वर्गीकरण करना सीख जाता है, जैसे अगर उसे कई सारे पेन मोबाइल पुस्तक एक साथ इकट्ठा करके दे दिए जाएं तो इस अवस्था में बच्चा पेन अलग रख देगा, पुस्तक अलग रख देगा, मोबाइल अलग छांट के रख देगा, मतलब वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है और वह इस अवस्था में प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं अर्थात जोड़ घटा गुणा भाग आदि भी करना सीख जाता है, लेकिन वह जोड़ घटा गुणा भाग के पीछे छिपे नियमों को इस अवस्था में नहीं पहचान पाता है, अर्थात वह वस्तुओं को पहचानना तो प्रारंभ कर देता है लेकिन इस अवस्था में जीन पैंजे कहते हैं कि बालक वस्तुओं के पीछे छिपे भौतिक गुणों को नहीं पहचान पाते हैं। यदि बच्चे को आप कहेंगे कि ये मोबाइल है तो वो मोबाइल तो ले लेगा लेकिन वो ये भी बता देगा कि हाँ ये मोबाइल है या नहीं है, लेकिन कौन सी कंपनी का मोबाइल या कौन सा मोबाइल सबसे अच्छा है या किस मोबाइल की क्या खास क्वालिटी है या किस पेन की क्या खास क्वालिटी है वो नहीं बता सकता है इस अवस्था में, लेकिन हाँ मोबाइल कौन है, पेन कौन है, पुस्तक कौन है, वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकता है। तीसरी स्टेज होती है बच्चों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो बच्चों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 7 से 11 वर्ष के बीच की होती है, 7 से 11 वर्ष के बीच की। जीन पैंजे कहते हैं कि इस अवस्था में बालक जो चीज मूर्त होती है, मतलब अगर आप उससे अनुमान लगवाने चले कि इस बार यार सीटेट का पेपर कैसा होगा या इस स्टेज के बच्चे से अगर जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस स्टेज के बच्चे से ये अनुमान आप लगवाना चाहें कि यार लॉकडाउन हट भी सकता है या कब तक हटेगा या क्यों नहीं हटेगा, इसके पीछे क्या कारण है, तो शायद वो नहीं बता पाएगा, शायद ये बता ही नहीं पाएगा। हाँ बस जो चीज उसके साथ कंक्रीट मतलब कि मूर्त रूप से प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, अगर आप उसे कोई पेन जैसे कि ये पेन मैं उसको दे दूं और पेन देने के बाद मैं उससे कहूं कि बता ये पेन कैसा है, इस पेन की अच्छा लगता है बुरा लगता है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, मतलब जीन पैंजे कहता है कि इस अब कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चा केवल मूर्त चीजों के बारे में ही तर्क और चिंतन कर सकता है, वो अमूर्त चीजों के बारे में तर्क और चिंतन नहीं कर सकता है। और इस अवस्था में जीन पैंजे कहते हैं कि बच्चा वस्तुओं के वर्गीकरण के तो पहले ही कर लेता ही है और वस्तुओं के वर्गीकरण के साथ साथ
उनके पीछे छिपे भौतिक गुणों को भी पहचानना शुरू कर देता है। अभी इसकी चौथी अवस्था है औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी स्टेज है, जिसकी अवधि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था का बच्चा अमूर्त चीजों के बारे में भी तर्क करना, चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि वो अनुमान लगा सकता है कि लॉकडाउन हटेगा, कब तक हटेगा, क्यों नहीं हो रहा है, या सीटेट की परीक्षा कब होगी, या कौन सा प्रश्न सीटेट में आ सकता है। औपचारिक का मतलब होता है कि वो कल्पना शक्ति कल्पनाएं करने लगता है उन चीजों के बारे में भी जो चीज उसके सामने उपस्थित नहीं भी होती है। और जीन पेंजे कहते हैं कि जिन बालकों में औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन अधिक होता है उनकी शैक्षिक उपलब्धियां अधिक होती हैं, अर्थात शिक्षा के लिए औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन का होना या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का होना अति आवश्यक है। जीन पेंजे के, मैंने आप लोगों को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बताया और जीन पेंजे के संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं कौन कौन सी थी और किस अवस्था की क्या क्या खास क्वालिटी थी, क्या क्या खास बात थी बच्चों, मैंने वो सब आप लोगों को बताई। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके आगे की वीडियो में हम जीन पेंजे के साथ के आगे वायगोत्स्की की बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।